सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, आप लोग काफी टाइम से डिमांड भी आ रही थी कि भाई राजेंद्र नगर में जो पटना साइंस सिटी का काम चल रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी मैं आ चुका हूं पटना के राजेंद्र नगर में तैयार किए जा रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के ठीक बाहर। और गाइस मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये इसका एंट्री गेट होगा। तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां चल रही है और कब तक ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट गेट का काम है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है और लगभग काफी सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में फुल अपडेट दिखाऊंगा। वैसे गाइस अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, तो चलिए फिर मैं आपको ड्रोन शॉट के थ्रू इसके चल रहे काम को अपडेट दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको अभी ही बता दूं कि इस एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का कुछ ही पार्ट यहां पर स्टार्ट किया जाना है जो कि इसी साल आपको मिड तक देखने को मिलेगा। तो भाई चलिए फिर मैं आपको फुल अपडेट बताता हूं कि क्या कुछ यहां पर होने वाला है। तो गाइस चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस बात करूँ इस एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की लोकेशन की, तो आप ठीक इसके सामने देख सकते हैं ये रहा प्रेमचंद सर्किल, और इसी के बगल में आपको मोइनुल्लाह का स्टेडियम देखने को मिलेगा। तो उसी के ठीक बगल में ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी को तैयार करने का काम चल रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तैयार किए जा रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की। तो आप देख सकते हैं जब ये साइंस सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इसे लगभग 21 एकड़ जमीन पर 36,000 वर्ग मीटर में तैयार किया जा रहा है। और गाइज मैं आपको ड्रोन शॉट में यहाँ चल रहे काम को अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये रहा प्रेमचंद सर्किल, और ठीक इसके सामने तैयार हो रहा है बिहार का अब तक का सबसे बड़ा साइंस सिटी। वैसे गाइज यहाँ चल रहे काम को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो साइंस सिटी की तरफ जाने के लिए जो लेन तैयार किया गया है उसका काम भी लगभग फाइनल स्टेज पर है। वहीं बात करूं अगर बिल्डिंग की तो आप देख पा रहे होंगे जो बिल्डिंग है उसका सिविल वर्क लगभग कंप्लीट हो चला है, बट जो इस साइंस सिटी में मेन काम होना है वो आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी को तैयार करने वाली टीमें कोलकाता, कनाडा, टोरंटो और बोस्टन जैसे देश विदेश के बड़े बड़े शहरों में जाकर वहाँ अध्ययन किए हैं, और तब जाकर यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी को तैयार किया जा रहा है। और गाइस बात करूं यहां क्या कुछ फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, तो साइंस सिटी में G+1 फ्लोर की 4 बड़ी गैलरीज देखने को मिलेगी जिनके नाम बेसिक साइंसेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, सस्टेनेबल प्लैनेट और बॉडीज एंड माइंड गैलरीज यहां बनाई जा रही है। इसके अलावा एक BA साइंटिस्ट गैलरी भी होगी, साथ ही 2D, 3D एंड 4D गैलरीज, प्रदर्शनी हॉल और 200 लोगों के बैठने के लिए एक G+4 छात्रावास, स्मारिका दुकानें और भी बहुत सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। और गाइस इसके अलावा इंडियन स्पेस प्रोग्राम कार्बन फुटप्रिंट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और स्कूली सिलेबस से संबंधित सिद्धांतों को प्रोजेक्ट के माध्यम से भी यहां समझाया जाएगा, जिससे बिहार के लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक जानकारी, नई नई चीजों के बारे में और ज्यादा सीखने को मिलेगा। और गाइज इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे दिसंबर 2023 तक तैयार कर लेने का टारगेट रखा गया है। यानी गाइज हम कह सकते हैं कि ज्ञान की भूमि रही बिहार अपने पुराने गौरव को पाने की कोशिश में लगा हुआ है, और जो सपना एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था कि भारत के हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके, उसके लिए बिहार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। वैसे सच कहूं तो अभी भी बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार को बहुत आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, तब जाकर हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का सपना सच हो पाएगा। और गाइज इसी एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के बगल में ये रहा अपना पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, जिसकी कंडीशन तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, और काफी सारे लोगों का ये कहना भी है कि इसे जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। और आप देख सकते हैं इसी के बगल में ये रहा अपना एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। और गाइज ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता आगे आपको सैदपुर नाला की तरफ लेकर चला जाएगा, इस पर अभी शायद रोड बनाने का काम भी स्टार्ट किया जाना है, जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ पटना के राजेंद्र नगर में बनाए जा रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।